तो स्टूडेंट्स आज अपने बात करते हैं जो क्वेश्चन हम डेली करते हैं उन्हीं में आज के जो क्वेश्चन है वो किससे रिलेटेड हैं, वो है शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 से। तो क्वेश्चन फर्स्ट है हमारा कि निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में अनिवार्य शब्द का क्या अर्थ है। सीटेट 18 नवंबर 2012 को सेकेंड लेवल में ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो यहां पर सही उत्तर आपको ढूंढना है, आंसर लगाना है, फिर मैं बताऊंगा कि निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में अनिवार्य शब्द का क्या अर्थ है। केंद्र सरकार दाखिले उपस्थिति और प्रारंभिक शिक्षा की पूर्णता को सुनिश्चित करेगी, या फिर बी होगा या सी होगा या डी होगा। सही आंसर आप ढूंढें। निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में अनिवार्य शब्द का अर्थ क्या है। सीटेट में आया हुआ क्वेश्चन है 2012 में लेवल सेकंड में। तो स्टूडेंट्स यहां पर आंसर आपको मिल गया होगा मेरे ख्याल से, यहां पर आंसर है बी कि उचित सरकारें दाखिले उपस्थिति और प्रारंभिक शिक्षा की पूर्णता को सुनिश्चित करेंगी। अगला क्वेश्चन है मई 1998 में किसकी स्थापना की गई थी। आरपीएससी 2009 संस्कृत ग्रेड थर्ड शिक्षक भर्ती 2012 में ये प्रश्न पूछा गया था, और एक बार थर्ड ग्रेड में पूछा गया था, एक बार सेकंड ग्रेड में पूछा गया था। तो क्वेश्चन है कि मई 1998 में किसकी स्थापना की गई, आपको सही आंसर चुनना है। मई 1998 में किसकी स्थापना की गई थी। जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम की, राष्ट्रीय अध्यापक परिषद की, राष्ट्रीय बाल भवन की, या राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की। एक चीज और बता दूं स्टूडेंट्स की आज की अपनी क्लास लाइव नहीं चल रही, ये रिकॉर्डेड वीडियो है, मैंने पहले रिकॉर्ड किया क्योंकि लाइव में हमें प्रॉब्लम आ रही थी बीच बीच में, तो इसलिए ये रिकॉर्डेड वीडियो है। फिर भी जब ये क्लास चालू होगी मैं जो है उपस्थित रहूंगा, वहां आपके जो भी क्वेरी होगी उसका आंसर दूंगा। मई 1998 में किसकी स्थापना की गई थी। स्टूडेंट्स यहां पर बिल्कुल सही सोच रहे हो आप मेरे ख्याल से, राष्ट्रीय साक्षरता मिशन, इसकी जो है वो स्थापना की गई थी, और ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 41 और 46 किसके कल्याण से संबंधित हैं। थर्ड क्वेश्चन है स्टूडेंट्स ये, देखिए आंसर क्या होगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 41 और 46 किसके कल्याण से संबंधित हैं। बिहार टेट लेवल फर्स्ट 2011 का क्वेश्चन है ये। आर्थिक रूप से पिछड़े व्यक्तियों से, या विकलांग व्यक्तियों से, धार्मिक रूप से पिछड़े व्यक्तियों से, या क्षेत्रीय रूप से पिछड़े व्यक्तियों से। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 41 और 46 किसके कल्याण से संबंधित हैं, बताना है आपको यहां पर किसके कल्याण से संबंधित हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड है ये, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 41 और 46 किसके कल्याण से संबंधित हैं। तो स्टूडेंट्स यहां पर आंसर है ए, आर्थिक रूप से पिछड़े व्यक्तियों से, आर्थिक रूप से जो पिछड़े व्यक्ति हैं उससे संबंधित है ये। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन है आरटीई यानी कि राइट टू एजुकेशन 2009 के अंतर्गत प्रवेश रोकने और निष्कासन संबंधी प्रतिषेध है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या आंसर होगा इसका, सोचो बताओ।
क्या आंसर होना चाहिए स्टूडेंट्स, सोचिए। चारों ऑप्शन को ध्यान से पढ़िए और सही आंसर पे आपको टिक लगाना है। चारों ऑप्शन ध्यान से पढ़ो, सही आंसर पे टिक लगाओ। बताएं स्टूडेंट्स क्या होगा। फोर्थ का आंसर है सी। फोर्थ क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, उपरोक्त दोनों। किसी बालक की आयु का सबूत नहीं होने के कारण विद्यालय प्रवेश से वंचित नहीं किया जा सकेगा और प्रवेश प्राप्त विद्यार्थी को किसी कक्षा में रोका नहीं जाएगा, ना ही प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक निष्कासित किया जाएगा। तो ये दोनों जो हैं निष्कासन से संबंधित प्रतिषेध हैं 2009 आरटीई के तहत। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर फिफ्थ की आरटीई 2009 के तहत गठित होने वाली विद्यालय प्रबंधन समिति के क्या प्रावधान है, क्या प्रावधान है। समिति में 3/4 सदस्य माता पिता या संरक्षक होंगे, समिति की 50% सदस्य महिलाएं होंगी या उपरोक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं। यहां पर आपको करेक्ट आंसर बताना है, तो आप बताएं क्या करेक्ट है इसमें। सही आंसर बताएं, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ। तो स्टूडेंट्स बिल्कुल सही, यहां पर जो आंसर है हमारा वो क्या है, यहां पर हमारा आंसर है आंसर सी, आंसर सी, उपरोक्त दोनों, उपरोक्त दोनों जो है ये यहां पर सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर सिक्स की बात करते हैं अब। क्वेश्चन नंबर सिक्स क्या कहता है, आरटीई 2009 में शारीरिक दंड एवं मानसिक उत्पीड़न का क्या प्रतिषेध है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट कहता है शारीरिक और मानसिक उत्पीड़न पूर्ण रूप से प्रतिबंधित है, शारीरिक और मानसिक उत्पीड़न आंशिक प्रतिबंधित है, ऐसा कोई प्रावधान नहीं है आरटीई में या उपरोक्त सभी सत्य हैं। कौन सा ऑप्शन यहां सही होगा क्वेश्चन नंबर सिक्स। सही ऑप्शन को आपको चुनना है, क्वेश्चन नंबर सिक्स। आरटीई 2009 में शारीरिक दंड और मानसिक उत्पीड़न का क्या प्रतिशोध है, प्रतिषेध है, प्रतिशोध तो बदला होता है। तो यहां पर सिक्स का आंसर बिल्कुल सही सोच रहे हैं शायद आप, आंसर होगा ए, शारीरिक और मानसिक उत्पीड़न पूर्ण रूप से प्रतिबंधित है। चलिए क्वेश्चन सेवंथ की बात करते हैं स्टूडेंट, सेवंथ और एट्थ। क्वेश्चन नंबर सेवंथ जो है वो ये है, क्वेश्चन नंबर ये सेवंथ है और ये क्वेश्चन नंबर एट है। क्वेश्चन नंबर सेवंथ कहता है कि कक्षा 6 से 8 तक के बालकों के संबंध में विद्यालय आसपास से कितने किलोमीटर की दूरी के भीतर स्थापित किया जाएगा। शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 के तहत ये बात कहेगी, तो कितने किलोमीटर, यहाँ पर अपने को यहाँ पर किलोमीटर बताना है, कौन सी कक्षा, कक्षा 6 से 8 तक। तो यहाँ पर इस सेवंथ क्वेश्चन का आंसर बताओ पहले आप, फिर अपने बात करेंगे एट्थ की। देखिए सही आंसर क्या होगा। चार किलोमीटर, 3 किलोमीटर, 2 किलोमीटर या 1 किलोमीटर, क्वेश्चन नंबर सेवंथ। तो स्टूडेंट्स बिल्कुल सही, यहां पर आंसर होगा 3 किलोमीटर। अगला आठवां क्वेश्चन है, आरटीई 2009 के तहत सरकार के कर्तव्य हैं, क्या कर्तव्य हैं सरकार के, 6 से 14 वर्ष के प्रत्येक बालक को निशुल्क और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराना, या आसपास में विद्यालय की उपलब्धता कराना, या सरकार धारा 4 में विनिर्दिष्ट विशेष प्रशिक्षण सुविधा उपलब्ध कराना, या सारे, उपरोक्त सभी। आरटीई 2009 के तहत सरकार के क्या कर्तव्य हैं, इन चार ऑप्शन में से अपने को बताना है, क्वेश्चन नंबर एट है, क्वेश्चन नंबर एट। क्या आंसर होगा सोचिए आप।
क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर है उपरोक्त सभी। ये सारी बातें जो हैं आरटी 2009 के तहत सरकार के कर्तव्य हैं। चलिए स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 9 और 10 की बात करते हैं। तो यहां पर ये जो क्वेश्चन है वो 9 नंबर है और ये जो क्वेश्चन है वो 10 नंबर है। क्वेश्चन है कि 25% आरक्षित सीटों पर 6 से 14 वर्ष के बच्चों से फीस वसूलने पर निजी स्कूलों पर कितना जुर्माना लगता है? फीस का जो उन्होंने फीस वसूली है उसका 20 गुना, या जो फीस उन्होंने वसूली है उसका 15 गुना, या फीस का 10 गुना, या इनमें से कोई नहीं। क्या सही आंसर होगा? 25% आरक्षित सीटों पर 6 से 14 वर्ष के जो बच्चों को एडमिशन दिया जाता है, अगर कोई निजी स्कूल फीस लेता है तो उसने जितनी फीस ली है उसका कितना गुना जो है उस पर जुर्माना लग सकता है? क्वेश्चन नंबर 9। तो स्टूडेंट्स यहां पर आप ठीक सोच रहे हैं, फीस का 10 गुना, जितनी फीस उसने ली है उसका 10 गुना उस पर जुर्माना लगेगा। ये आरटीई के अंदर आरटीई 2009 के तहत प्रावधान है। अगला क्वेश्चन है, आरटीई 2009 के तहत अभिभावकों के इंटरव्यू या बच्चों की स्क्रीनिंग पर क्या सजा होगी? वैसे जो निजी स्कूल होते हैं वहां पर जब बच्चों का एडमिशन कराने जाते हैं तो फिर अभिभावकों का भी इंटरव्यू लेते हैं। वो मतलब वो ये देखना चाहते हैं कि जो होमवर्क बच्चे को दिया जाएगा क्या माता पिता सक्षम है उसको होमवर्क को करवाने के लिए नहीं। इसलिए कई बड़े स्कूल जो नामी स्कूल हैं वो अभिभावकों का भी इंटरव्यू लेते हैं। बच्चों की स्क्रीनिंग तो होती है उसके साथ साथ अभिभावकों का इंटरव्यू लेते हैं। तो आरटीई 2009 के तहत, राइट टू एजुकेशन 2009 के तहत इस पर जो है प्रतिबद्ध किया गया है। जो 25% सीटों पर एडमिशन होता है ना, उन 25% बच्चों के अभिभावकों से इंटरव्यू नहीं लिया जा सकता। अगर लेंगे स्कूल, निजी स्कूल इंटरव्यू लेंगे तो फिर क्या सजा होगी, कितने सजा होगी या क्या सजा होगी, ये आपको बताना है। 3 माह की कैद होगी या फिर 10,000 रुपये नगद, या 5 वर्ष कैद, या फिर 25,000 रुपये नगद जुर्माना होगा। कितना जुर्माना होगा वो आपको सोचना है। तो स्टूडेंट्स यहां पर बिल्कुल सही है आंसर कि 25,000 रुपये जो है ये जुर्माना होगा। अगर कोई स्कूल इंटरव्यू लेगा अभिभावक का तो उस पर 25,000 रुपये जुर्माना लगाया जाता है, 25,000 रुपये की सजा दी जाती है उसको। तो यहां पर जो ये क्वेश्चन हमने देखे हैं आज, ये आप शुरुआत से देखो, निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में अनिवार्य शब्द का अर्थ ऑप्शन नंबर बी, उचित सरकारी दाखिला उपस्थिति प्रारंभिक शिक्षा की पूर्णता को सुनिश्चित करेंगी। अगला क्वेश्चन था, मई 1998 में किसकी स्थापना की गई? तो दो बार क्वेश्चन पूछा गया है, सेकंड ग्रेड में भी पूछा गया, थर्ड ग्रेड में भी पूछा गया, 9 में, 2012 में। मई 1998 में राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन था, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 41 और 46 किसके कल्याण से संबंधित हैं? तो आर्थिक रूप से पिछड़े व्यक्तियों से के कल्याण से संबंधित है। बिहार टेट परीक्षा में लेवल फर्स्ट 2011 में क्वेश्चन आया हुआ है। अगला क्वेश्चन है, आरटीई 2009 के अंतर्गत प्रवेश रोकने और निष्कासन संबंधी प्रतिषेध हैं? तो ये दोनों ही हैं, किसी बालक की आयु का सबूत नहीं होने के कारण विद्यालय प्रवेश से वंचित नहीं किया जा सकेगा, और प्रवेश प्राप्त विद्यार्थी को किसी कक्षा में नहीं रोका जा सकेगा, और जब तक उसकी प्राथमिक शिक्षा पूरी नहीं होती निष्कासित नहीं किया जा सकता। तो ये दोनों बातें सही हैं। अगला क्वेश्चन था कि आरटीई 2009 के तहत गठित होने वाली विद्यालय प्रबंध समिति के क्या प्रावधान हैं? ये दो बातें सही हैं। यहाँ पर समिति में 3/4 सदस्य माता पिता या संरक्षक होंगे और समिति की 50% सदस्य महिलाएं होंगी। ये था क्वेश्चन, आरटीई 2009 में शारीरिक दंड और मानसिक उत्पीड़न का क्या प्रतिषेध है? तो शारीरिक और मानसिक उत्पीड़न पूर्ण रूप से प्रतिबंधित है। अगला प्रश्न था, कक्षा 6 से 8 तक के बालकों के संबंध में विद्यालय आसपास से कितने किलोमीटर की दूरी के भीतर स्थापित किया जाएगा? तो 3 किलोमीटर। आरटीई 2009 के तहत सरकार के कर्तव्य क्या हैं? सारे ही सरकार के कर्तव्य हैं, 6 से 14 वर्ष के प्रत्येक बालक को निःशुल्क और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराना, आसपास में विद्यालय की उपलब्धता कराना, सरकार धारा 4 में विनिर्दिष्ट विशेष प्रशिक्षण सुविधा उपलब्ध कराना, ये सारे ही। अगला क्वेश्चन था कि 25% आरक्षित सीटों पर 6 से 14 वर्ष के बच्चों से फीस वसूलने पर निजी स्कूलों पर कितना जुर्माना लगेगा? जितनी वो फीस वसूलेंगे उसका 10 गुना लगेगा।
आरटीई 2009 के तहत अभिभावकों के इंटरव्यू या बच्चों की स्क्रीनिंग पर क्या सजा होगी? 25,000 रुपए का जुर्माना उन पर लगेगा। तो स्टूडेंट्स ये फिर बता दूं कि आज का ये वीडियो जो है रिकॉर्डेड वीडियो है, फिर भी आपके जो क्वेश्चन होंगे, आपके जो डाउट होंगे, उन डाउट को क्लियर करने के लिए मैं आपके साथ उपस्थित रहूंगा, और आप का कोई भी डाउट है हाथों हाथ उसका जवाब आपको मिलेगा। नमस्कार।